हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ व्रत वाले फलहारी आलू की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये खाने में बहुत टेस्टी होते हैं। आप इसे व्रत वाली पूड़ी के साथ में या फिर पराठे के साथ में, जो कुटू या सिंघाड़े के होते हैं, उनके साथ में आप खा सकते हैं। ये खाने में बहुत टेस्टी बनते हैं। तो आइए हम फलहारी आलू की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। फलहारी आलू बनाने के लिए हमें सबसे पहले आलू चाहिए होगा। तो मैंने यहाँ पे 4 बड़े आलू लिए हैं और उसे बॉईल कर लिया था, फिर उसके बाद उसका छिलका निकाल लिया है। साथ ही मैंने यहाँ पर 2 बड़े टमाटर को बारीक काट लिया है और 4 से 5 मैंने हरी मिर्च को भी बारीक काट लिया है। साथ ही मैंने यहाँ पे आलू को भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, आप देख सकते हैं। आप चाहें तो इससे थोड़ा सा इसके बड़े भी टुकड़े काट सकते हैं। तो हमारी सारी सब्जियाँ कट कर तैयार हैं, आइए अब हम इसे फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ली है, आप चाहें तो पैन भी ले सकते हैं, और उसमें मैंने 3 से 4 स्पून जितना तेल ऐड किया है। मैंने यहाँ पे इसे रिफाइंड ऑयल में बनाया है, आप चाहें तो देसी घी में भी इसे बना सकते हैं। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, अब इसमें हम अपना बारीक कटा हुआ हरा मिर्च ऐड करेंगे। आप मिर्च की क्वांटिटी अपने हिसाब से भी रख सकते हैं, अगर तीखा आपको कम पसंद है तो आप इसमें मिर्च की क्वांटिटी कम कर सकते हैं। इसे भी हम कुछ सेकंड के लिए इस तरीके से भून लेंगे, जिससे कि इसका तेल में अच्छे से फ्लेवर आ जाएगा हरा मिर्च का। मैंने यहाँ पे जीरे का या किसी भी तरीके के मसाले का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया है, आप चाहें तो इसमें अपनी पसंद के कुछ मसाले या जीरा वगैरह या ब्लैक पेपर वगैरह ये इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें हम अपना कटा हुआ टमाटर ऐड करेंगे, जो हमने बारीक काट कर रख लिया था। इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे और टमाटर को हमें अच्छे से गला लेना है बिल्कुल, तो हम इसको अच्छे से पका लेंगे। टमाटर अच्छे से गल जाए इसके लिए हम यहाँ पे अब नमक ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे सेंधा नमक ऐड किया है, जो व्रत में खाया जाता है। आप नमक अपने स्वाद अनुसार इसमें ऐड करें और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम 4 से 5 मिनट के लिए इसे अच्छे से पका लेंगे, जिससे कि हमारा जो टमाटर है वो काफ़ी अच्छे से गल जाएगा। साथ में हम इस तरीके से इसे मैश करते रहेंगे। अब हम इसे ढक कर 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे, जिससे कि हमारा जो टमाटर है वो काफ़ी अच्छे से गल जाएगा। मैंने यहाँ पे टमाटर का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो इसमें नहीं भी कर सकते हैं, आप सिर्फ इसे हरी मिर्च के साथ में ही इसे आलू को फ्राई कर सकते हैं। टमाटर डालने से सब्ज़ी में हल्का मॉइस्चर आ जाता है और सब्ज़ी हमारी ड्राई नहीं लगती खाने में। अब हम इसमें अपना रोस्ट किया हुआ मूंगफली का दाना डाल देंगे। मैंने यहाँ पे पहले से मूंगफली को भून कर रख लिया था, उसे भी अब इसमें डाल दिया है। साथ ही हम इसमें अपना कटा हुआ बॉयल आलू डाल देंगे और सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। इस सब्ज़ी में मूंगफली के दाने डालने से सब्ज़ी का टेस्ट और दुगना बढ़ जाता है। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, मगर अगर आप इसमें डालेंगे तो सब्ज़ी और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाएगी। तो अब इसे भी हम 2 से 3 मिनट के लिए ढककर पका लेंगे। आइए अब हम इसे चेक करते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारी सब्ज़ी बनकर तैयार है। तो इससे ज़्यादा हम इसे अब नहीं पकाएंगे। अब इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे हम और इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो लीजिए, हमारी फलहारी आलू की सब्जी बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं इसे बनाना बहुत आसान है, तो आप ज़रूर इसे बनाकर ट्राई करिए, ये खाने में बहुत टेस्टी बनती है। साथ ही आपने देखा ही है, मैंने इसमें किसी भी तरीके का मसाले का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया है, क्योंकि ये फलहारी आलू है, यानी कि व्रत में खाने वाला आलू। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारी सब्जी बनकर तैयार है और ये खाने में बहुत टेस्टी बनती है। तो आप इसे नॉर्मल डेज में भी बनाकर खा सकते हैं, इसमें बिल्कुल भी किसी तरीके का मसाला या कुछ भी इसमें नहीं पड़ा है, आपने देखा ही है। तो आप इस तरीके से अपने व्रत में बनाकर इसे खा सकते हैं। साथ ही अगर आपको ये आज की ये मेरी रेसिपी पसंद आती है फलहारी आलू की, तो आप मेरी इस वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन क्लिक करिए, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।